स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। प्रवीण ने सबके कान भरना शुरू कर दिया है। उस बात का इससे क्या लेना देना? प्रवीण भाई ने अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी ना कहा है, हम सबकी भलाई के लिए कहा है ताकि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो सके। और तू भी इसकी तरफदारी कर रहा है? हाँ, क्योंकि बात जायज है। मैं तो भूल ही गई थी कि वो तो सबसे डायनामिक है, एक एक करके सबके कान भर रहा है, एक बड़ी फौज खड़ी कर रहा है वो। लेकिन मैं सबसे कह देती हूँ, मेरे जीते जी ये घर तो मैं नहीं तोड़ने दूंगी। बस कोई बहस नहीं करेगा, और जो बहस करेगा वो सचमुच घर के बाहर जाएगा। बिल्कुल सही सवाल पूछा है परजाई जी ने। मुझे आप चलिए मेरे साथ, मुझे छोड़िए, कुछ चलेगा नहीं। गुड़िया चलिए चलिए। देखिए परजाई, ये जगह कितनी पावन लगती है, और आप तो इसकी पवित्रता का एहसास मुझसे पहले से करते आए हो, तो आप इसे बुलाने का मन कैसे कर बैठे? पता है, एक बार रात को हम यहाँ आंगन में भुट्टा सेक रहे थे और मोटा भाई हमारे लिए गाना गा रहे थे, तो ऐसा लगा कि चाहे इस पूरे शहर में लोगों के पास सांस लेने की जगह नहीं है, वहां हम सब आजादी से जी रहे हैं। ऊपर जाइए, मुझे ऊपर टॉप फ्लोर से हम दुनिया को देखें, इससे अच्छा तो दुनिया हमें ऊपर से देखकर कहे कि काश हमारे पास भी ऐसा घर होता, ऐसा आंगन होता। और ये इस जगह का सत्य या कुछ भी कह लो हाँ भाभी, लेकिन आस पड़ोस का हर एक बच्चा यहीं खेलने आता है, और उन खेलते हुए बच्चों को गौर से देखोगे ना आप, तो आपको लगेगा कि उस टोली का हर एक बच्चा गोकुल में खेलता हुआ बाल कन्हैया है। अरे ये तो हमारी संस्कृति है। और इसका सौदा करना मतलब अपनी आस्था, अपने आप का सौदा करना है जी। और हमारी आस्था का जवाब दिया है कुलदेवी मां कई बार। ये 2 साल पहले की नवरात्रि भूल गई आप? कुलदेवी मां प्रकट हुई है। हर बार हमने कुलदेवी मां की गोद में मन्नत मांगी है, और उन्होंने हमें आशीर्वाद ही दिया है भाभी। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है इस घर में, और क्या हम उनसे ही उनका छोटा सा निवास स्थान छीन ले? किसका फोन है? आप ऐसे अचानक क्यों आ गए? कुछ नहीं, वो तुम लोग जरा सीरियस बातें कर रहे थे, तुम्हें इस तरफ आ गया। जा तुम जा। भाभी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। हाँ बालकनी, टेरेस, इंपोर्टेड बाथरूम, और ये लकड़ी की जमीन वाला चमचमाता बड़ा सा हॉल, ये तो किसी के भी पास होगा भाभी। लेकिन ये किसी के पास नहीं है, और इसका सौदा करने के लिए अगर माने प्रवीण भाई को थोड़ा सा डांट दिया है तो मेरे हिसाब से बहुत कम किया है। मुझे माफ करना हाँ भाभी। हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, ये सब कहने सुनने को बहुत अच्छा लगता है, पर उसी आस्था पर धूल पड़ रही है। देखो। अरे
तुम लोग मैंने कहा था नहीं याद क्यों पढ़ रहे हो? थोड़े दिन याद धुल-धुल होगी, जाओ अपने कमरे में जाओ, कमरे में जाके पढ़ो बच्चों, जाओ जाओ। अब कमरे में ही पढ़ना होगा क्योंकि अब आजू बाजू के सभी बंगले टूटने वाले हैं और कुछ लोगों का इस घर से विश्वास अभी से टूट गया है। पहले आप देखिए तो सही, आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है तो क्या हो रहा है? मोटा भाई के कमरे के खिड़की के सामने एक बड़ी बिल्डिंग बन गई है तो उनके कमरे में दिन की रोशनी आना बंद हो गई है। धीरे धीरे आंगन का भी यही हाल होगा, बच्चों को दिन में लाइट्स जला के नाइट क्रिकेट खेलना पड़ेगा। प्रवीण ने सबके कान भरना शुरू कर दिया है। उस बात का इससे क्या लेना देना? प्रवीण भाई ने अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी ना कहा है, हम सबकी भलाई के लिए कहा है ताकि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो सके। और तू भी इसकी तरफदारी कर रहा है? हाँ, क्योंकि बात जायज है। आस पड़ोस वाले क्या पागल है जो अपने बंगले बिल्डर्स को बेच रहे हैं? वो लोग उस बंगले के मालिक है, प्रवीण इस बंगले का मालिक नहीं है। हाँ तो प्रवीण भाई गुणवंती मामी से बात करना चाहते हैं तो आप क्यों मना कर रही है? वो किसी को लालच देकर अपना काम करवाएगा तो मैं तो मना करूंगी। तुम लोग समझते क्यों नहीं? कृष्ण विला, ये कुएं वाला मकान पहचान है हमारी। लोग कहते कि वो घर देखो, ऐसा घर होना चाहिए। अपनी सालों पुरानी पहचान हम बदल दें, पुरानी यादें मिट जाए, इस डर से हम अपने आने वाले ब्राइट फ्यूचर से मुंह मोड़ ले। वाह, ये सब आप मानती होगी, हम सब नहीं मानते। इस हम सब में और कौन कौन है? बाब छोड़िए ना। नहीं नहीं, मुझे जानना है इस हम सब में और कौन कौन है। सुबोध, तू इसकी बात से सहमत है? बा, मैं पूरी तरह से सहमत तो नहीं हूं। पूरी तरह नहीं हो पर कहीं तो आप सहमत हो ना सुबोध। बा, वो बाजू वाले मेहता की नई बिल्डिंग का प्रपोज प्लान देखा था मैंने, उसकी लुक और बिल्डर जो एमिनिटीज दे रहा है वो दोनों ही बहुत अच्छी है। सुना? हाँ सुना, तो प्लान भी देखकर आ गए? हाँ, वो प्रवीण भाई ने कहा था कि मेहता की नई बिल्डिंग का प्लान देख लेना, मैं उधर से गुजर रहा था तो मैंने। प्रवीण को मुझे फिर से सॉरी कहना पड़ेगा, उसे नॉन डायनामिक कहने के लिए। मैं तो भूल ही गई थी कि वो तो सबसे डायनामिक है, एक एक करके सबके कान भर रहा है, एक बड़ी फौज खड़ी कर रहा है वो। लेकिन मैं सबसे कह देती हूं, मेरे जीते जी ये घर तो मैं नहीं तोड़ने दूंगी। बस कोई बहस नहीं करेगा, और जो बहस करेगा वो सचमुच घर के बाहर जाएगा। मैं तो वैसे भी जाऊंगी बिरजू के साथ शादी करके, और थैंक गॉड कि मैं जा रही हूँ। सुबोध भाई, आप सब रहना यहाँ धूल खाते खाते। क्या करा मोहब्बत? कितना कचरा इकट्ठा किया है इस रूम में। हाँ तो दिवाली के दिनों में साल में एक बार सफाई करेंगे तो कचरा कूड़ा होगा ही, हर दो महीने में एक बार सफाई करनी चाहिए। हाँ करो करो, सब रूम की सफाई करो तो मेरी सारी पुरानी चीज मिल जाएगी। मुझको लूडो मिला है हेमल, ये देख। हाँ अच्छा है। पता है तुझे हेमल, आजकल ये जो नई बिल्डिंग बनती है ना, उसमें कपड़े सुखाने के लिए ड्राइंग यार्ड भी देते हैं और एक छोटा सा स्टोर रूम भी देते हैं। ये जो हमारे घर में कचरा यहाँ वहाँ पड़ा रहता ना, वो हम स्टोर रूम में रख सकते हैं। लेकिन तेरे दिमाग में जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसका क्या करेंगे प्रवीण? प्रवीण भाई वो मुझको दे देना, उसमें से भी मेरी कोई पुरानी चीज मिल जाएगी। मेरी एक वीडियो गेम है ना, वो अभी तक नहीं मिल रही है। तेरी वीडियो गेम इसके दिमाग के कचरे में नहीं मिलेगी गट्टू, क्योंकि प्रवीण के दिमाग में कुछ और ही गेम चल रही है। क्या 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 बोलिए ना। तू इस तरह चढ़कर मुझ पर आएगा तो मैं डर नहीं जाऊंगा प्रवीण? आपको डरा नहीं रहा हूँ मोटा भाई, सिर्फ पूछ रहा हूँ क्या गेम्स चल रही है मेरे दिमाग में। यही हमारा घर हथियाने की बात, इतना समझ ले प्रवीण, ये घर मामी का है। वही तो, घर मामी का है तो बा क्यों लड़ रही है इस घर के लिए? प्रवीण मोटा भाई, मैं सबकी लाइफस्टाइल सुधारना चाहता हूँ, सबको थोड़ा और सुखी देखना चाहता हूँ,
इसमें कौन सी गेम? वीडियो गेम। तो प्रवीण भाई, ये पानी की बाल्टी और ये पोछा। थैंक्स थैंक्स। क्या हुआ, ऐसे थैंक्स क्यों कह रहे हैं आप? तकलीफ हो रही है ना, इसलिए। दिवाली के दिनों में मजदूर की तरह काम करते रहो, सिर्फ हाँ हाँ करने से कुछ नहीं होने वाला मोटा भाई। मिट्टी साफ नहीं होगी, घर की औरतों को एक वैक्यूम क्लीनर लाकर नहीं दे सकते हम। मिडिल क्लास कहीं के। सॉरी लीला भाभी, कुएं के मेंढक बन के जीते रहेंगे हम। कोई हमें हाथ में लेकर समंदर में ले जाना चाहे, फिर भी उछल कर कुएं में ही जाएंगे। खुश है जो भी मिला है उससे। मोटा भाई, अरमान भी कोई चीज होती है। लीला भाभी से पूछिए, बेंगलोर जाने का कितना मन था इनका। आपको भी लग रहा था कि शायद वो जिद करेंगी जाने की, लेकिन इन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो फैमिली के साथ रहना चाहती थी। अगर लीला भाभी ये कर सकती है तो क्या बा एक छोटा सा सैक्रिफाइस नहीं कर सकती? कम से कम सबके थोड़े तो अरमान पूरे हों। देख प्रवीण, इस घर में जो भी है, जितना भी है, हम जिस तरह भी रह रहे हैं, लीला उससे खुश है, समझा तू? वो आप तय मत कीजिए, लीला भाभी से पूछिए। रहने दीजिए प्रवीण भाई, सबकी अलग अलग सोच होती है। एक मिनट लीला, एक मिनट, एक मिनट। सबकी अलग अलग सोच, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? बोलो। ये नहीं बोलेगी मोटा भाई, घर की कोई बहू नहीं बोलेगी, क्योंकि संस्कार के नाम पे ताले लगा दिए हमने इनके मुंह पे। मोटा भाई, हमने इनके सपनों के बारे में कभी सोचा भी नहीं, तो पूरा करना तो बहुत दूर की बात। खुशी का ऐसा बुलबुला रचाया हमने हमारे आसपास कि ये लोग भी मान बैठे हैं कि हम ऐसे ही खुश थे, हैं और रहेंगे। मोटा भाई, ये मकान अगर हमने बिल्डर को बेच दिया तो इतने पैसे मिलेंगे कि अगर ऐसा किया तो प्रॉब्लम क्या है, नुकसान क्या है, बताना हेमल। मैं प्रवीण भाई की बात से सहमत हूँ। डिंपल के पापा, हमने कभी मांगा नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हमने कभी चाहा भी नहीं। अब तो आदत सी पड़ गई है, जब लक्ष्मी टीका लगाने आती हैं तभी हम लोग अपना मुंह धोने जाते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।